सर्दियों में बार बार कपड़े धोने की झंझट से जान छुड़ाएं सिर्फ एक टूटे हुए कप की मदद से। आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको उतारने के लिए पेरिस पे एक दफ़ा यही अमल दोहराऊंगी। दोहराने के बाद मैंने इसको आपके सामने ही साफ़ करना है। ये देखें हमने नाखूनों पर भी इसी तरह इसको लगा देना है। ये बहुत अच्छी है, ये हमारा स्क्रैप है। तो हमने करना क्या, एक हमने टिशू लेना, इस तरह से हमने आपके सामने ये साफ़ करके दिखाती हूँ किस तरह से ये साफ़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके हाज़िर हुए हैं, जैसा कि आपको जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हमारी ये टिप नंबर वन है और ये शर्ट है हमारी, इस पर इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं। आती तो ये हमारी शर्टें बहुत महंगी है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इस्त्री के साथ चिबड़ जाती है, तो हम इसको उल्टा करके प्रेस करते हैं तो ये हमारी जो बैक साइड होती है उसको भी ख़राब कर देते हैं और ये भी ख़राब हो जाती है। तो हमने करना क्या, इसको प्रेस करने के लिए आपके घर में न्यूज़पेपर तो होता होगा, अगर नहीं है तो आपने कोई भी अपनी नोटबुक का पेन पेपर में उसमें से निकाल लेना है। तो आपने इस तरह से इसको इसके ऊपर रख देना है, तो इसी को आपने इस तरह से इस प्रेस करना है। ये देखें इस तरह से, तो ये ना तो अखबार के साथ चिबड़ेगा ना ही अखबार के साथ ये होगा, क्योंकि हम इससे रख के करते हैं ऊपर रख के, तो इसके जो सिलवटें होती है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको इधर खिसकाएंगे, इधर वाला हिस्सा भी कर लेंगे और इधर इसको हम इधर रखेंगे तो ये भी कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी से जो हमारी शर्ट है वो बहुत अच्छी प्रेस होती है। ये देखें आपके सामने कितने अच्छे तरीके से हमारी ये शर्ट प्रेस हो गई है। इसी तरह अगर हम इसको उल्टा करके प्रेस करेंगे तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना हम इसके ऊपर अखबार या पेपर रख के करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि सर्दियों में के मौसम में हुडी वगैरह पे भी ये इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं, शर्टों पे भी होते हैं। तो आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। अगर आपको पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन माचिसों को लेकर है कि जैसे कि हमारी ये माचिसें होती हैं उनसे हाथ से छूट जाती है, पानी में भी गिर जाती है, हमारे हाथ गीले होते हैं तो ये इनको पानी लग जाता है, इस तरह की से कुछ ये शराबी सी जाती है। तो हमने इसको करना क्या, इस तरह हमारी इस्त्री तो हमारे पास होती है, थोड़ी सी हमने इस्त्री को गर्म करना है। तो ये पकड़ कर हमने ये वाली सैड जो मसाले वाली है इस तरह से इसके साथ साथ लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी हमने, ना ही इसका स्विच जो वो लगा रहने देना, स्विच में इसको निकाल के फिर आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। ये देखें थोड़ी थोड़ी आपने इसको इसी के साथ ये सारी ये खुशक हो जाएगी और आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो पैसों की आती है, आते तो कम पैसों की, लेकिन हमें बचत का होता है कि हमने अपने घर का ख्याल रखना, महंगाई का दौर है तो किस तरह से हमने अपने बचत करनी है। ये देखें इसी तरह से आपने इसको गर्म कर किया और इसको आपने जलाना है और देखें ये बहुत अच्छी आपको फ़ायदा देने वाली। इसी तरह ये जो मैंने दूसरी की है वो भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको भी जला सकते हैं। ये देखें, तो ये देखें आपको ये उम्मीद है कि ये वाली आपको टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती, तो ये छोटी छोटे टिप्स ही है आप तो आपको ये आपकी बचत का बहुत काम आती है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जिस तरह से हम आटा लेते हैं, आटा हम इस तरह छानते हैं, कुछ तो हमारा आटा साइडों पे बिखर जाता है, कुछ हमारे हाथ खराब होते हैं और हमसे ये सही तरीके से ये आटा छाना नहीं जाता। तो हमने करना क्या, इस तरह से हमने एक ग्लास ले लेना, ग्लास में हमने आटा डालना, आटा डालने के बाद हमने ये छलनी के ऊपर इस तरह से हमने उल्टा करना है। तो और ये देखें इस तरह से हमने इसको गोल घुमाया और ये हमारा बड़ी आसानी से जो आटा है ना तो ये बिखरता है, ना ही हमारे बाजुओं को में कोई पेन होती है और ना ही ये आटा ख़राब होता है। तो ये देखें बहुत आसान सी टिप्स है, आप इससे कितना भी आटा जो है वो छान लें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। ये देखें तो इससे ना तो आपका आटा नीचे गिरेगा बिखरेगा और ना ही आपके बाजू में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके बाजू में दर्द है तो वो भी आप इसके मसला आपका हल हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और छोटी बच्चियाँ जो अभी खाना वगैरह बनाना कुकिंग सीखती है तो उनको आटा छानना नहीं आता, छानना हम तो पंजाबी में आटा छानना कहते हैं तो वो आटा उनको नहीं अच्छे तरीके से छानना आता, तो वो भी इसी टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाए। आटे को लेके जैसा कि हम आटा घर में महीने का इकट्ठा ला के रखते हैं
तो इसमें पड़ जाता है कीड़ा कीड़ा, और सुसरी पड़ जाती तो इसको हमने करना क्या। तो हमारे मसाला जात में घर में होते हैं ये, देखें इस तरह के कड़ी पत्ता तो होते हैं हमारे घर में। ये हमने इस तरह आटे के अंदर 4 से 5 आपने रख देने, और इस तरह से आपने ऊपर नीचे आटे को कर देना। तो उम्मीद है कि ये इससे ना तो कीड़ा पड़ेगा, ना ही आपके आटे में सुसरी पड़ेगी, और ना ही इसमें से एक स्मेल होती है। आप इसको बंद कर देते हैं एयरटाइट तो आटे में से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स पसंद आई। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। आप चावलों में भी कड़ी पत्ता डालें और अपने कीड़े से महफूज रहें रखें चावलों को। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। टमाटरों को लेकर है, जैसे कि हमारे टमाटर जो होते हैं घर में फ्रीजर में फ्रिज में पड़े रहते हैं, तो ये आपके लिए खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, सैलड में भी बहुत अच्छी। वैसे भी आप खाएं, खून में इजाफा करते, जिन लोगों को खून की कमी होती है वो बहुत ही उनके लिए मुफीद है। और ये हमारी स्किन के लिए भी, और हमारे ये हाथ पैरों की जो स्किन ड्राई हो जाती बिल्कुल ये एकदम डेड होती है, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। आज मैं आपको इसके साथ एक टिप बताने जा रही हूँ कि ये टमाटर ले लेना हमने, उसके में से इसके 2 हिस्से करने। तो ये एक हिस्सा हमने इसका इस तरह से हमें चाहिए। इस पर हमने कॉफ़ी भी हमारे घर में होती है, तो हमने करना क्या है, कॉफ़ी का ये एक पैकेट लेना, इसमें से हल्का सा हमने इस पर सुराख करना है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ज़ाया ना हो। इस तरह हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है, ये देखें इस तरह से बारीक बारीक कॉफ़ी हमने इसके ऊपर डाली। और आपके घर में शुगर भी होती है और मीठा सोडा भी, जो चाहे आप इसमें वो दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके सामने मीठा सोडा इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये भी हमारे घर में होता है। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा आपने इसके ऊपर मीठा सोडा डालना है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और आपकी डेड जो स्किन है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ये अच्छी है। टिप्स ज़रूर आजमाया करें, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनसे हम अपने हाथों पैरों और चेहरे को बना सकते हैं। इस टमाटर के पानी से, टमाटर का पानी जो होता है इसका जूस निकाल के, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसको भी आप अपने चेहरे पे, अपने पैरों की जो आपकी डेड स्किन है हाथों की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने अपने हाथों को थोड़ा सा इस तरह रैप करना है, तो जो आपकी डेड स्किन है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल एक ही बार इस्तेमाल करने से ये बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपने इसी तरह अगर आपके फेस का भी है तो आप फेस पे भी, क्योंकि आजकल सर्दियां हम धूप में बैठते हैं, तो धूप की वजह से हमारे जो स्किन होती है वो बहुत सारी डल हो जाती है, और साथ ही उसमें से थोड़ी सी सलवटें जो पड़ जाती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखें मैं आपके सामने करती हूँ, ये 5 से 7 मिनट आपने इसी तरह करना है, इसी अमल को दोहराते रहना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखें आप इसको 10 से 15 मिनट में इसको लगा रहने दें बेशक इसी तरह से। तो आपने आज के बाद टमाटर ज़ाया नहीं करने, अपनी स्किन को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना टमाटरों से, और सलाद भी बना के भी खाएं, इसको वैसे भी आप खा सकते हैं। तो ये देखें बहुत इससे अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। ये देखें मेरी यहाँ से स्किन में कितना फ़र्क है, ये भी आपको अभी सामने नज़र आ जाएगा कितना इससे हमें फ़ायदा हुआ है। ये देखें आप इसको कर सकते हो, ये अमल आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ अभी साफ करके, मिनट हो गए मैं इसको उतारने के लिए, फिर इस पर एक दफ़ा यही अमल दोहराऊँगी। दोहराने के बाद मैंने इसको आपके सामने ही साफ करना है। ये देखें हमने नाखनों पर भी इसी तरह इसको लगा देना, ये बहुत अच्छी है, ये हमारा स्क्रैप है। तो हमने करना क्या, एक हमने टिशू लेना, इस तरह से हमने आपके सामने ये साफ़ करके दिखाती हूँ किस तरह से ये साफ़ हो गया, और ये आप स्किन में शाइनिंग जो है वो आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये देखें कितना अच्छी तरीके से मेरी स्किन साफ़ हो गई है। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी मैंने हाथ को वॉश कर लिया और इसका रिज़ल्ट, और ये आपके सामने, ये इस पर मैंने अप्लाई नहीं किया, ये मैंने किया है, तो ये देखें आपके सामने रिज़ल्ट है। तो इसी तरह आप अपने हाथों, अपने मुंह और पाँव की हिफाजत करें, इससे स्क्रैप करें। तो ये जो टमाटर बचे जिसे मैंने स्क्रैप किया, आपके इसको इसी तरह आप फ्रिज में रख दें, 2 दिन बाद फिर निकालें, फिर आप इसी पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जो टमाटर हमारे पास है वो खा लें, या चाहे सब्ज़ी में हंडिया में डालें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली और आपको बहुत पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कपड़ों को लेकर जैसे कि हमारे सर्दियों के कपड़े हम निकालते हैं, गर्मियों के रखते हैं, फिर गर्मियों के कपड़े निकालते हैं, सर्दियों के रखते हैं, तो इनमें से एक अजीब सी स्मेल इसमें पड़ जाती है, क्योंकि वो कपड़ों की होती तो कपड़ों की है लेकिन वो मौसमी होती है, क्योंकि इनको धूप वगैरह नहीं लगती जब हम पहनते हैं, क्योंकि बार बार तो इतने मोटे कपड़े हम वॉश नहीं कर सकते, तो पहनते हैं तो इनमें से स्मेल आती है। तो आज हमने आपको बताने जा रहे हैं कि टिप लेके आए हैं कि जिसमें से आपको
ये छुटकारा हासिल हो कि इस स्मेल को किस तरह से आपने खत्म करना है। तो हम कप की मदद से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने ये टूटे हुए कप को अपने अमल में लाना है और इन कपड़ों की स्मेल से आपने ये छुटकारा हासिल करना है। तो चावल तो हमारे घर में होती है, इस तरह का टूटा कप आपने ले लेना। तो ये चावल थोड़े से आपने इतने के इसमें डाल देने चावल, और मसाला ज्यादा हमारे घर में होते हैं तो लौंग वगैरह भी होते हैं, तो आपने इस तरह से करना क्या, 4 से 5 अदद लौंग लेने, वो भी आपने इसमें डाल देने चावलों में। तो टैल्कम पाउडर भी हमारे घर में होता है, ये भी स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा इसमें टैल्कम पाउडर डाल देना है। तो आपने करना क्या है कि आपके घर में टिशू हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो हमने एक टिशू लेना है। तो इस तरह से आपने कोई टिशू ले लेना, नहीं टिशू है तो आपने कोई भी मलमल का लॉन का कोई पीस, आपके घर में कपड़े तो होते ही हैं, वो आपने ले लेना है। तो इस तरह से आपने कप के ऊपर रख देना है। ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको कवर करना है। ये बड़ा है, मैं इसको आधा कर देती हूँ। इस तरह से आपने इसको करना है। तो रबड़ बैंड भी आपके घर में हर वक्त मौजूद होती नहीं होती, तो ये मैंने बार बार बताया कि जो ब्रेड के ऊपर होती वो भी आपने ज़ाया नहीं करनी। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देनी, ये देखें। तो ये हो गई टैट। टैट करने के बाद हमने करना क्या कि हमारे घर में कोई चीज़ तो होती है नुकेली, जैसे ये छुरी है ना, छुरी ये नहीं है, अगर आपके पास हेयर पिन है तो वो ले लेनी आपने। इसमें छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे आपने होल कर देने, सुराख कर देने, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। और आपने जहाँ भी अपनी कपड़ में, अपनी रूम की अलमारी में, जहाँ भी आप कपड़े रखते हैं, अपने सूटकेस में जहाँ भी रखते हैं, तो इतनी तो गुंजाइश होती है कि ये कप उसमें एडजस्ट कर जाए। तो इस तरह से आपने ये कप उसमें रख देना, तो इसकी खुशबू से जो आपकी कपड़ों में स्मेल है वो बहुत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। ये आपको बार बार कपड़े धोने की झंझट से छुटकारा हासिल होगा। ये अमल आप उसमें भी कर सकते हैं जो आपने गर्मियों के कपड़े आज के बाद अलमारियों में रख दे, टैची भी में रख दे, उसमें भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी हमारी टिप्स आज अच्छी लगी है। तो आप कौन सी कंट्री से हमें वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो बहन भाई बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं उनसे भी अल्तमास है कि वो भी सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।